हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज फूड। तो आज की ये रेसिपी है चीज़ी चिकन पॉकेट की। वाव, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चीज़ी बना है ये, और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस यमी एंड टेस्टी रेसिपी। एग, नमक, बॉईल किया हुआ आलू, चिकन, कॉर्नफ्लेक्स, तेल और मैदा, उसी के साथ लेंगे आधा नींबू, 5 हरी मिर्च, धनिया, 6 से 7 लहसुन और अदरक, चीज़। ये चीज़ मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिए है। इस ग्राइंडर में मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो इस तरह से, इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये। तो इसे मैं निकाल लूँगी। अब इसमें नींबू छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। धनिया, 5 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, 6-7 टुकड़े लहसुन के, इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुका है, तो अब इसे हम इस चिकन में ऐड कर देंगे। नींबू, इस नींबू को मैं पूरा नहीं ऐड करूंगी, बस आधा ही नींबू का जूस इसमें ऐड करना है। बॉईल किए हुए आलू, ये मैंने एक आलू लिया है, इसे अच्छे से स्मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। ये आलू मैं सिर्फ जो है बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके जगह पे कॉर्नफ्लावर या फिर मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हाथों से इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो हमने मसाला इसमें ग्राइंड करके ऐड किया है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसे फ्रिज में रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए। कॉर्नफ्लेक्स को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से इतना बारीक करना है हमें। तो अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी। 4 चम्मच मैदा, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी बता दूँगी। तो उस तरह की कंसिस्टेंसी होने तक आप इसमें पानी ऐड करते रहना और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसे हम फोड़कर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये अच्छे से फेंट लिया है मैंने, तो अब इन दोनों में मैं चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिफ्टीन मिनट हो चुके हैं, तो इस चिकन को मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। अब सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब हम ये चीज़ी चिकन पॉकेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ये जो हमने चिकन का कीमा बनाया है वो हाथों पर इस तरह से ले लेना है, और अब इसे हमें हाथों पर ही अच्छे से फ्लैट कर देना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको ये फॉलो करना है। आपको ये कॉर्नर से भी ठीक से कर देना है और बीच से भी आपको ये अच्छे से फ्लैट करना है। आप देख सकते हो कि इसे मैंने अच्छे से फ्लैट कर दिया है। तो एक चीज़ का टुकड़ा लूँगी मैं और इसे इस तरह से बीचों बीच हमें प्लेस कर देना है, और साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए ये पॉकेट बना लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉलो करना है ये पूरा। इसके मैं अच्छे से पॉकेट्स रेडी कर लूँगी, आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से करिएगा। ये जो बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है, तो उस पर भी जो है हम साइड से थोड़ा सा ये एडजस्ट करेंगे, या फिर आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा सा कीमा लेकर इसे ऊपर से लगा सकते हो। ये पॉकेट्स बनाते हुए आपको ध्यान देना है कि आप परफेक्ट पॉकेट्स बना रहे हो, ताकि ये जो आपने अंदर चीज़ को प्लेस किया है उसके ऊपर अगर ये जो कीमा है चिकन का
वो अगर आप प्रॉपरली नहीं लगाओगे और प्रॉपरली पॉकेट्स नहीं बनाओगे, तो जब आप इसे डीप फ्राई करोगे तब ये जो पॉकेट्स है इसके अंदर से जो है चीज़ बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये पॉकेट्स बनाते समय ही ध्यान देना है कि आप जो है ये परफेक्ट पॉकेट्स बना रहे हो, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको ये साइड से हाथों से उंगलियों से शेप देते हुए ये स्क्वायर शेप में कर लेना है आपको। तो ये पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है, आगे से और पीछे से एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। तो इसे रख देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी सारे पॉकेट्स भी बना लेने हैं। ये सारे पॉकेट्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से ये एक पॉकेट ले लेंगे हम, और ये जो हमने मैदे का घोल बनाया है इसमें हम अच्छे से इसे डिप कर देंगे। ये अच्छे से डिप हो चुका है तो अब इसे हम कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल ही हल्के हाथ से ये कोट करना है, हल्के हाथ से ही इसे लगाना है। अब इसे अंडे में भी अच्छे से डिप कर देंगे। और अब फिर एक बार हम इसे कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है देन यू कैन ऑल्सो यूज ब्रेड क्रम। इस पॉकेट को जब आप कोट करते हो तो कोट करते समय ये जो स्क्वायर शेप दिया हुआ है वो शेप जो है बिगड़ने का चांसेस होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको टैप करते हुए इसको फिर से आपको शेप दे देना है और अच्छे से आपको इसे कोट करना है। तो ये हमने कोट अच्छे से कर लिया है, ये रेडी हो चुका है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी के सारे पॉकेट्स भी हम अच्छे से डिप कर कर इसे कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेंगे। ये पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तेल भी मैंने यहाँ पर गरम करने रख दिया है, तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ये सारे पॉकेट्स फ्राई कर लेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही ये सारे पॉकेट्स हमें फ्राई कर लेने हैं अच्छे से। तो अब एक एक कर कर ये सारे पॉकेट्स हम इस तेल में डाल देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ये पॉकेट्स हमें फ्राई कर लेने हैं। ये अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लूंगी। तो अब बाकी के सारे पॉकेट्स भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे चीजी चिकन पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। वाओ, कितना ज़्यादा चीजी बना है ये, और सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलीशियस बना है। मैं इसे टेस्ट भी कर लेती हूँ। यम। आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।